नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में सिवान के पूर्व सांसद और राजद के प्रभावी नेता रहे शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं। शहाबुद्दीन की जेल में रहने के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है, लेकिन शहाबुद्दीन का एक बयान ऐसा था जो आज भी लोगों के दिमाग में ताजा ही है। दरअसल आज उस बयान की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि वो बयान शहाबुद्दीन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए दिया था। अब एक बार फिर बिल्कुल वही बयान तो नहीं, लेकिन हाँ, उससे मिलता जुलता बयान सीएम नीतीश कुमार के लिए एक राजद नेता ने जरूर दिया है। हालांकि शहाबुद्दीन अपने बयान पर टिके रहे थे, लेकिन अभी जिस राजद नेता ने नीतीश कुमार के लिए बयान दिया है उसे वे तुरंत कवर करने में भी जुट गए हैं। राजद नेता के वर्तमान में दिए गए बयान से पहले हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने मशहूर बयान में आखिर क्या कहा था। तो बात 2016 की है, जब 10 सितंबर 2016 को जमानत पर भागलपुर जेल से रिहा हुए शहाबुद्दीन सड़क मार्ग से सिवान के लिए निकले। लगभग एक दशक बाद सलाखों के पीछे से बाहर निकले शहाबुद्दीन के समर्थकों का काफिला दर्जनों गाड़ियों में उनके साथ चल रहा था। मीडिया का हुजूम भी था। रास्ते में रुकते हुए शहाबुद्दीन मीडिया से बात भी करते रहे। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में शहाबुद्दीन ने सिर्फ लालू यादव को ही अपना नेता बताया था। महागठबंधन की सरकार चल रही थी और उस वक्त के बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे, लेकिन शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार से बेरुखी दिखाते हुए उन्हें परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताया था। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। ये बात कोई आई गई नहीं हुई, बल्कि इस बात पर जदयू नेताओं ने खूब खींच निकाली। अब कुछ ऐसा ही बयान राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार के लिए दिया है। दरअसल 15 जनवरी को लालू राबड़ी आवास पर चूड़ा दही भोज के बाद भाई वीरेंद्र मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान भाई वीरेंद्र ने कहा कि 79 विधायकों की पार्टी के नेता लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार सीएम। मीडिया ने दोबारा पूछा तो अपने बयान को कवर करते हुए भाई वीरेंद्र कहने लगे कि 79 विधायक हमारे हैं और नीतीश सीएम, लालू जी का आशीर्वाद है तब ना वो सीएम है। और उनका आशीर्वाद है तब ना मुख्यमंत्री है। नहीं नहीं, उनका उनका आशीर्वाद है तभी ना मुख्यमंत्री हैं। इसलिए ऐसा मत कहिए, आपको बहुत सा एकदम आशीर्वाद दोनों एक दूसरे से मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जनता का आशीर्वाद है और दोनों के मेल से बिहार का विकास हो रहा है। इसमें कहाँ दो राय है? अब हम कहेंगे कि हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव से बड़े हैं तो नहीं ना कहेंगे, अगर उम्र में बड़े होते तो जरूर कहलाते। क्या लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार पीएम बने? 79 विधायक हमारा है तो बड़ा भाई हम ही है। अब जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता ऐसे बयान पसंद नहीं करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण नीतीश कुमार और भाजपा का दुराव है। दरअसल 2020 के चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार की पार्टी विधायकों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर खिसक गई, लेकिन तब भी सीएम नीतीश ही बने, तो कई भाजपा नेताओं ने ये कहना शुरू किया कि भाजपा की मेहरबानी से नीतीश कुमार सीएम बने। बाद में भाजपा से रिश्ता टूटने में ऐसे बयानों को ही जदयू ने आधार बनाया था। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।